आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चद देशातारिणे मंशाकल्पतरूपेश्च कृपा सिंधुमयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये नष्ट प्रायशो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देविकी नंदनाय च नंद गोपर कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्ववेदांत सारमे श्री भागवतम इष्यते तद्रसामृता तृप्तस्य नान्यत्र शाद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद धाम वृंदावन रम्य काचिदुपासना ब्रज वधूवर्गेण या कल्पितम्। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम कुमार्थमः श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदं तत्रादरो न परं मूकं करोति वाचालं अंगूलं घ्रियते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधव। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय से श्रवण कर रहे थे। दूसरे अध्याय से श्रवण करके हम तीसरा अध्याय के बारे में बताया था। तीसरा अध्याय से आज हम श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का स्वागत है। तीसरा अध्याय का नाम है भूमि गीत। ये पृथ्वी गीत गाती, पृथ्वी इसमें कि अनेक राजाओं की मूर्खता देखती है कि जो उसे जीतने पर तुले हैं, और उसने बताया कि कलयुग किस प्रकार से दोषों से पूर्ण है, किंतु हरि नाम के कीर्तन से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी सोचती है कि बड़े बड़े राजा हैं तो ये मृत्यु के खिलौने हैं, इनके 6 आंतरिक शत्रु हैं, 5 इंद्रियां और 1 मन है, वे उनका दमन करना चाहते हैं। फिर ये कल्पना करते हैं कि इसके बाद वे पृथ्वी तथा उसके समुद्रों को सारे जीतेंगे, तो पृथ्वी हंसती है उनके ऊपर, ये मेरे को जीतने की कोशिश करें। इनकी झूठी आशाएं देखकर पृथ्वी उन पर हंसती है, क्योंकि अंततः उन्हें ये पृथ्वी, ये ग्रह छोड़कर अन्यत्र जाना होगा, जैसा कि बड़े बड़े राजा तथा बादशाह गा चुके हैं। यही नहीं, पृथ्वी को या इसके किसी खंड को हड़प लेने के बाद पिता, पुत्र, भाई, मित्र तथा संबंध इसके लिए परस्पर झगड़ते हैं। तो इससे इतिहास से निष्कर्ष निकलता है कि सारी सांसारिक उपलब्धियां नश्वर है, और सहज निष्कर्ष से वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। अंततोगत्वा किसी भी जीव के लिए जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति, क्योंकि भक्ति सारे अमंगलों को विनष्ट कर देती है। ये हमें पता भी नहीं लगता कि किस किस अमंगल को विनष्ट कर रही है, क्योंकि हमें पता नहीं कौन कौन से अमंगल आने वाले हैं। और इसे बताया गया कि सतयुग में धर्म पूर्ण था, जिसमें सत्य, दया, तपस्या तथा दान रूपी उसके चारों पैर अभी तक विद्यमान थे। त्रेता के बाद हर युग के धार्मिक गुणों में 1/4 ह्रास होता गया, और कलयुग में धर्म के पैरों में केवल 1/4 शक्ति रह गई है, किंतु इस युग के अग्रसर होने पर 1/4 शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। सतयुग में सतोगुण प्रधान रहता है, त्रेता युग में रजोगुण, द्वापर युग में रजो तथा तमोगुण का मिश्रण प्रधान रहता है, कलयुग में तमोगुण प्रधान रहता है। कलयुग में नास्तिकता, समस्त वस्तुओं की लघुता, निकृष्टता एवं जननांगों तथा उदर के प्रति आसक्ति अत्यंत मुखर बने रहते हैं। कलि के प्रभाव से दूषित जीव भगवान हरि को नहीं पूछते। यद्यपि भगवान नाम का कीर्तन करने और उनके शरण में जाने से सारे बंधनों से छुटकारा मिल सकता है और परम गंतव्य की सहज प्राप्ति हो सकती है, किंतु यदि कलयुग में किसी तरह से बद्ध जीवों के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो इस युग में व्याप्त देश, काल तथा व्यक्ति के सारे दोष, अगर भगवान प्रकट हो गए तो देश क्या है, काल क्या है, व्यक्ति क्या है, सारे दोष भी नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में भी कलयुग तो दोषों का सार है, किंतु इसमें एक महान गुण है, क्या है, कृष्ण नाम का कीर्तन करने से मनुष्य सारी भौतिक संगति से उद्धार पा ले। जो भी उसने बाल्यकाल से भौतिक संगति कर रही है, क्योंकि उसी के कारण उसमें क्वालिटी डेवलप हुई, सारी भौतिक संगति से उद्धार पा लेता और परम शक्ति को प्राप्त कर। सतयुग में कुछ ध्यान से, त्रेता में यज्ञ करने से तथा द्वापर में मंदिर पूजा प्राप्त से प्राप्त होता था, उसे कलयुग में केवल हरि कीर्तन द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता। इस तरह हम आज ये भूमि गीत का अध्याय शुरू करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने राजाओं के, पतित राजाओं के और कलयुग के लक्षण भी श्रवण किया था। हमने ये भी श्रवण किया था कि कलयुग में सारे धूर्त राजा मारा जाएंगे और इसके पश्चात में जो कलयुग में भगवान कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। संबल नामक ग्राम में ये भविष्यवाणी की गई है। इसके आगे श्रवण करेंगे। भूमि गीत श्री शुकवाच पृथ्वी देवी गीत गा रही। श्री शुकवाच
द्रष्टात्मनि जय विग्रह नृपान् हस्ति भूयम् अहो मां विजिगिषन्ति। मृत्यु क्रीडन का राजा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस जगत के राजाओं को अपने पर विजय प्राप्त करने के प्रयास में जुटे देखकर प्रति हंसती है, प्रति प्रति हंसने लगी। किस चीज पे हंसरी? ये सब झूठे राजा लोग मेरे ऊपर कब्जा जमाना चाहते। प्रति हंसती, उसने कहा, पृथ्वी बोलती है इस गीत में, उसने कहा जरा देखो तो, इन राजाओं को देखो तो सही, जरा जरा देखो तो, इन राजाओं को जो मृत्यु के हाथों में खिलौने जैसे हैं, लेकिन मुझ पर विजय प्राप्त करना चाहिए। ये मृत्यु के हाथ में खिलौने जैसे, जैसे कोई व्यक्ति के हाथ में खिलौना आ जाए तो कभी भी उसको नष्ट कर सकता, खिलौना पुराना पड़ जाए तो उसको तोड़ सकता। तो प्रति हंसने की, उसने कहा जरा देखो तो, इन राजाओं को जो मृत्यु के हाथों, मृत्यु क्रीड़नाम का नृपा, ये राजा नृपा में राजा, ये राजा जो है मृत्यु के हाथों में खिलौने जैसे मुझ पर विजय पाने की चेष्टा कर रहा, मुझे विजय पाने की इच्छा कर। आगे बोलती है पृथ्वी, गीत गा रही, कामेशा नरेंद्राणाम मोह स्यात् विदुषाम अपि येन फेन उपमे पिंडे अति विश्रम्भिता नृपः। मनुष्यों के महान शासक यहाँ थी, जबकि जो विद्वान भी हैं भौतिक काम इच्छा के कारण हताशा तथा असफलता को प्राप्त करते हैं। ये राजा काम से प्रेरित होकर मांस के मृत पिंड में, जिसे हम शरीर कहते हैं, अत्यधिक श्रद्धा आशा रखते हैं। यद्यपि ये भौतिक ढांचा जल पर तैरने वाले फैन के बुलबुलों के समान क्षण भंगुर है। ये पृथ्वी बोल रही है कि मनुष्य के महान शासक, यहाँ तक कि जो भी विद्वान है, भौतिक काम इच्छा के कारण हताशा तथा असफलता को प्राप्त करते हैं। ये राजा काम से प्रेरित होकर मांस के मृत पिंड में, जिसे हम शरीर कहते हैं, अत्यधिक आशा तथा श्रद्धा रखते हैं। यद्यपि भौतिक ढांचा जल पर तैरते हुए फैन के बुलबुलों के समान क्षण भंगुर पूर्वम निर्जित्य षटवर्गम जेष्याम राजमंत्रिणः तथा सचिव पौराप्त करी इंद्राणस्य कंटका एवं क्रमेण जिष्यामः पृथ्वीं सागर मेखलाम इति आशा बद्धहृदया न पश्यन्त्यन्तिके अंतकम्। राजे तथा राजनेता ये कल्पना करती कि सर्वप्रथम मैं अपने इंद्रियों तथा मन को जीतूंगा, फिर मैं अपने प्रमुख मंत्रियों का दमन करूंगा और अपने सलाहकार, नागरिक, मित्र तथा संबंधी एवं अपने हाथियों के रखवाले रूपी कंटकों से अपने मुक्त कर लूंगा। इस तरह धीरे धीरे मैं पृथ्वी को जीत लूंगा। चूंकि नेताओं के हृदय में बड़ी अपेक्षा रहती है, अतः पास खड़ी प्रतीक्षारत मृत्यु को नहीं देख पाती। तात्पर्य दृढ़ संकल्प, राजनीतिक तानाशाह तथा सैन्य प्रमुख आत्मानुशासन के साथ कठिन तप तथा त्याग करते हैं, जिससे सत्ता के लिए उनकी लालसा तुष्टि हो सके। तब वे समुद्र, स्थल, वायु तथा आकाश पर अधिकार करने के लिए बड़े बड़े राष्ट्रों को भिड़ा देते हैं। यद्यपि राजनेता तथा उनके अनुयायी शीघ्र ही काल कवलित हो जाएंगे, क्योंकि इस जगत में जन्म तथा मृत्यु अपरिहार्य, इनएविटेबल है, उसको को रोक नहीं सकता, किंतु एक क्षणिक यश के लिए अपना उन्मादी संघर्ष जारी रख। समुद्रावणाम जित्वा माम विशंति अब्धिम ओजसा कियन आत्मजय से तत् मुक्ति आत्मजय फलम। ये गर्वित राजागण मेरे तल पर सारी भूमि को जीत लेने के बाद समुद्र को जीतने के लिए बलपूर्वक समुद्र में प्रवेश कर रहे, भला उनके ऐसे आत्मसंयम से क्या लाभ जिसका लक्ष्य राजनीतिक शोषण हो। आत्मसंयम का वास्तविक लक्ष्य तो आध्यात्मिक मुक्ति।
याम विसृज्ये मनवः ततसुदा च कुर्वद्दः गतायाथागमम् युद्धे ताम्माम् जेष्यन्ति अबुद्धे। हे कुरुश्रेष्ठ, पृथ्वी आगे कहती, यद्यपि विगत काल में बड़े बड़े पुरुष तथा उनके वंशज इस संसार समय जो छोड़कर उसी अवस्था में चले बसे जिस दशा में वह आए थे, किंतु आज भी मूर्ख लोग मुझे जीतने का प्रयास करते हैं। मत्कृते पितृपुत्राणां भ्रातृणां चापि विग्रह जायते ही असतां राज्ये ममता बद्ध चेतसं। मुझे जीतने के लिए उद्देश्य भौतिकतावादी लोग परस्पर लड़ते हैं, पिता अपने पुत्र का विरोध करता है और भाई एक दूसरे से झगड़ते हैं, क्योंकि उनके हृदय राजनीतिक शक्ति पाने के लिए बंधे रहते हैं। ममेव इयम् मही कृत्स्ना न ते मूढ़ इति वादिनः स्पर्धमाना मिथघ्नन्ति म्रियन्ते मत कृते नृप। राजनेता लोग एक दूसरे को ललकारते हैं कि सारी भूमि मेरी है, अरे मूर्ख, तुम्हारी नहीं है, सारी भूमि मेरी है, अरे मूर्ख, तुम्हारी नहीं है। इस तरह वे एक दूसरे पर हमला करते हैं और मारे जाते हैं। तथ्य कि भगवान सारी भूमि के स्वामी हैं, वस्तुतः ईश भावना भावित जगत में भी राजनीतिक सीमाएं पाई जाती है, लेकिन ईश भावना भावित वातावरण में राजनीतिक तनाव बहुत हद तक शिथिल पड़ जाते हैं और सारे दोष एक देश एक लोग एक दूसरे का स्वागत करते हैं और शांतिपूर्वक रहने के एक दूसरे के अधिकार का आदर करते हैं। आगे पृथ्वी बोलती, प्रथु पुरुर्वा गाधी, सब राजाओं का नाम ले रही, प्रथु पुरुर्वा गाधी नमुशो भरतार्जुन मानधाता सगर राम खटवांग धुंतुआ रघु तृणबंदी याति च शरियाति शंतनु गय भागीरथ कुबलाश्य ककुस्थ नैषद नृग हिरण्यकश्यपु व्रत रावण हिरण्यकश्यपु व्रत रावण लोक रावण नमुचि शंबर भौम ऋणाक्ष अथ तारक अन्य च बहव दैत्या राजानो ये महेश्वरा सर्वे सर्वविद शूरा सर्वे सर्वजित अजिता ममतां मयि अरवन् अर्वतन कृत्वा उच्चमत्ति धर्मिण कथावशेषा कालेन ही अकृत अर्था कृता विभो। प्रथु पुरुर्वा गाधी नहुष, ये सब राजाओं के नाम, भरत कार्तवीय अर्जुन मानधाता सगर राम खटवांग धुंधुआ रघु रणबिंदु ययाति शरियाति शंतनु गये भागीरथ कुलाश्य ककुत्स नैषत नृग हिरण्यकश्यपु व्रत सारे जगत को रुलाने वाला रावण नमुची शंबर भौम हिरणाक्ष तथा तारक के साथ साथ अन्य असुर तथा अन्यों पर शासन करने की महान शक्ति से युक्त राजे, ये सारे के सारे ज्ञानी शूर सबको जीतने वाले तथा अजय थे, तो भी ये सर्वशक्तिमान प्रभु ये सारे राजा मुझे पाने के लिए गहन प्रयास करके जीवन बिताते रहे, किंतु काल के अधीन थे जिसने सबको मात्र ऐतिहासिक वृत्तांत बना दिया, हिस्ट्री में चले गए सारे, इनमें से एक भी स्थायी रूप से अपना शासन मुझ पर स्थापित नहीं कर सकता।
तात्पर्य शिलदा स्वामी के अनुसार तथा श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर द्वारा इसी के संपुष्टि की गई कि यहाँ पर उल्लिखित राम अवतरी भगवान रामचंद्र नहीं, ये दूसरे नाम प्रथु महाराज को भगवान का अवतार माना जाता है, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर स्वामित्व का दावा करते हुए पार्थिव राजा के गुणों को पूरी तरह प्रकट किया। किंतु प्रथु महाराज जैसे सत सदस्य राजा पृथ्वी का नियंत्रण भगवान की ओर से करते हैं, जबकि हिरण्यकशिप और रावण जैसे असुर पृथ्वी का दुरुपयोग अपने निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। फिर भी संत स्वभाव वाले राजाओं तथा असुर इन दोनों को ही पृथ्वी छोड़नी पड़ती है। इस तरह राजनीतिक सर्वश्रेष्ठता काल के वेग से निराशित हो जाती है। आधुनिक राजनेता न तो संपूर्ण पृथ्वी का स्थायी रूप से नियंत्रण कर सकते हैं, न ही उनके ऐश्वर्य तथा बुद्धि असीम। निराशाजनक रूप से खंडित शक्ति के स्वामी बनकर अल्प आयु को भोगते हैं और गहन बुद्धि से रहित ये आधुनिक नेता हताशा तथा क्रोधित आकर्षण के प्रति। कथायमास्ते कथिता महिषां विताय लोकेषु यश परे विज्ञान वैराग्य विवक्षा विभो वच विभूति न तु पारमार्थ्यम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, बलशाली परीक्षित, मैंने इन सारे महान राजाओं की कथा तुमसे बतला दी। जिन्होंने संसार भर में अपना यश फैलाया और फिर चले गए। मेरा असली उद्देश्य दिव्य ज्ञान तथा वैराग्य की शिक्षा देना था। राजाओं की कथाएं इन वृत्तांतों को शक्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान करती है, लेकिन मैं स्वयं ज्ञान के चरम पक्ष का निर्माण नहीं करती। परिचयों की श्रीमद भागवतम की सारी कथाएं पाठक को दिव्य ज्ञान की पूर्णता प्रदान करने वाली है, अतः राजाओं या अन्य संसारी विषयों के माध्यम से सर्वोच्च आध्यात्मिक शिक्षाएं देती। कृष्ण के प्रसंग में सारी सामान्य कथाएं दिव्य बन जाती है। कृष्ण के प्रसंग आए तो सारी सारी सामान्य कथाएं दिव्य बन जाती है, जिनमें पाठक को जीवन की पूर्णता प्रदान करने की शक्ति होती है। यस्तु उत्तम श्लोक गुणानुवाद संगीयते अभिक्षण मंगलग्न तमेव नित्यं शृणुयात अभिक्षण कृष्णे अमलां भक्तिम अभिप्समान। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति चाहता है उसे भगवान उत्तम श्लोक, भगवान को उत्तम श्लोक ही बोला जाता है क्योंकि उनकी वर्णना उत्तम श्लोकों से होती है। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति चाहता है उसे भगवान उत्तम श्लोक के यशपूर्ण गुणों की कथाएं सुनना चाहिए, जिनके निरंतर कीर्तन से सारे अमंगल विनष्ट हो जाते। तो उसमें है निरंतर कीर्तन, मतलब उसमें चैंटिंग कीर्तन भगवान का गुणगान सुनिया गया। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति चाहता है उसे भगवान उत्तम श्लोक की यश गुणों पूर्ण गुणों की कथाएं सुनना चाहिए, उनके निरंतर कीर्तन से सारे अमंगल विनष्ट हो जाते हैं। भक्तों को नियमित दैनिक संगोष्ठियों में इसे श्रवण में अपने को लगाना चाहिए और दिन भर इसी में लगे रहना चाहिए। क्योंकि कृष्ण विषय कोई भी कथा शुभ तथा दिव्य होती है। भगवान कृष्ण के अपने राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक कार्यों का सीधा वर्णन निश्चय सुनने के लिए सर्वश्रेष्ठ विषय वस्तु। भगवान कृष्ण के अपने राजनीतिक या गैर राजनीतिक कोई भी टापू को अगर उसमें कृष्ण है तो सुनने योग्य।
यहाँ पर नित्यम शब्द है, मतलब कृष्ण कथाओं के नियमित अनुशीलन का सूचक। नित्यम शब्द तमेव नित्यम शृणुयाद भिक्षम, कृष्ण की कथाओं को नित्य रूप से सुनना चाहिए, के नियमित अनुशीलन का सूचक है। और अभिक्षणम शब्द ऐसे नियमित आध्यात्मिक अनुभवों के निरंतर स्मरण का सूचक है, जो रियलाइजेशन है उसको निरंतर स्मरण करें। श्री राजोवाच केन उपायेन भगवन् कले दोषान् कलो जना विदमिष्यन्ति उपचित्तान् ततस्तमने ब्रूहि यथा मुने। राजा परीक्षित ने कहे, स्वामी कलयुग में रहने वाले लोग इस युग के संचित कलमश से किस तरह अपने को छुड़ा सकते हैं, हे मामुनि मुझे बतलाइए। तभी सब सारा सुना राजा ने, भूमि गीत सुना, तो राजा भी राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, हे स्वामी कलयुग में रहने वाले लोग इस युग के संचित कलमश से किस तरह अपने को, इतना बड़ा तो आपने बता दिया कलमश, तो अब इससे छुटा के छुड़ा के सकते हैं, मामुनि मुझे बतलाइए। तात्पर्य राजा परीक्षित दयालु साधु सदृक शासक कहते हैं, कलयुग के गर्हित गुणों के विषय में सुनने के बाद स्वभाव था उन्होंने पूछा कि इस युग में उत्पन्न लोग किस तरह इसमें निहित कलमश से अपने को मुक्त करा सकते। युगानि युग धर्मान च मानम प्रलय कल्पयो कालस्य ईश्वर रूपस्य गतिम विष्णु महात्मनः। कृपया विश्व इतिहास के विभिन्न युगों, प्रत्येक युग के विशिष्ट गुण, ब्रह्मांड की स्थिति, अवधि तथा संहार एवं परमात्मा स्वरूप विष्णु के प्रत्यक्ष काल की गति के बारे में मुझे बतलाइए। इसके आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक वाच कृते प्रवर्तते धर्म चतुष्पात तत जने सत्यम दया तप दानम इति पादा विभो नृप। सुखदेव गोस्वामी का राजन, प्रारंभ में सतयुग में धर्म अपने चार अक्षर पैरों से युक्त रहता था, उस युग के लोगों द्वारा सावधानी से धारण किया जाता था। शक्तिशाली धर्म के चार पैर हैं सत्य दया तपस्या तथा दान। जिस तरह चार ऋतुएं होती हैं उसी तरह पृथ्वी के चार युग होते हैं, जिनमें से प्रत्येक लाखों वर्ष तक चलता है। इनमें से पहला युग सतयुग है, जिसमें दान जैसे सद्गुणों का प्राधान्य रहता है। यहाँ पर दानम शब्द का प्रसंग है, जो वस्तु निर्भतया तथा अन्यों को स्वतंत्रता प्रदान करना है, जो वस्तु तो निर्भतया तथा अन्यों को स्वतंत्रता प्रदान, किसी क्षणिक आनंद या राहत का भौतिक साधन प्रदान करना। कोई भी भौतिक दानी व्यवस्था अंतत्वगता काल प्रवाह द्वारा को चल दी जाएगी। इसलिए काल की पहुंच के परे अपने नित्य अस्तित्व का साक्षात्कार मनुष्य को निर्भय बना सकता है, और भौतिक इच्छा से छुटकारा ही असली स्वतंत्रता है, क्योंकि इससे प्रकृति के नियमों के बंधन से छूटा जा सकता है। इसलिए असली दान तो लोगों में उनकी नित्य आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने में सहायता पहुंचे। धर्म को यहाँ पर विभु अर्थात शक्तिशाली कहा गया, क्योंकि विश्वजनीन धार्मिक सिद्धांत स्वयं भगवान भिन्न नहीं है और वे अंततः मनुष्य को भगवत धाम ले जा सकते हैं। यहाँ पर उल्लिखित गुण सत्य दया तपस्या तथा दान पवित्र जीवन के विश्वजनीन असंप्रदायिक पक्ष।
श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में धर्म का चौथा पांव स्वच्छता बतलाया गया है। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर के अनुसार ये दानम शब्द की वर्तमान संदर्भ में वैकल्पिक परिभाषा। आगे बोलते हैं, संतुष्टा करुणा मैत्रा शांता दांता तितिक्षव आत्म आराम समादृश प्रायश श्रमणा जना। सत्य के लोग प्राय आत्मतुष्ट दयालु सबों के मित्र शांत गंभीर तथा सहिष्णु होते हैं। सत्य के लोग प्राय आत्मतुष्ट दयालु सबों के मित्र शांत गंभीर तथा सहिष्णु होते हैं। वे अंतःकरण से आनंद लेने वाले, सभी वस्तुओं को एक साथ देखने वाले तथा आध्यात्मिक सिद्धि के लिए सदैव उद्यमशील होते हैं। त्रेतायाम धर्म पादानाम तुरियांश हियते शने अधर्म पादे अनरत हिंसा असंतोष विग्रहे। त्रेता में अधर्म के चारों पैर झूठ हिंसा असंतोष तथा कलह के प्रभाव से धर्म का प्रत्येक पैर क्रमशः एक चौथाई क्षीण होता है। त्रेता युग में अधर्म के चार पैर झूठ हिंसा असंतोष तथा कलह के प्रभाव से धर्म का प्रत्येक पैर क्रमशः एक चौथाई क्षीण होता गया। झूठ से सत्य क्षीण होता है, हिंसा से दया क्षीण होती है, असंतोष से तपस्या क्षीण होती है और कलह से दान जो होता है उससे स्वच्छता क्षीण होती है। तो ऐसा कोई भी दान जो कलह से दिया गया वो उसको ना तो स्वीकार करना चाहिए ना देना चाहिए। क्योंकि ये तो न तो देने वाले के लिए लाभदायक है न लेने वाले के लिए लाभदायक। झूठ से सत्य क्षीण होता है, हिंसा से दया क्षीण होती है। जब व्यक्ति हिंसा करता है उसकी नेचुरल टेंडेंसी जो दया करने की, स्वाभाविक जो दया करने की खत्म हो जाता, असंतोष से तपस्या क्षीण होती है, असंतोष से मन की शांति चली जाती है और उससे भगवान में मन लगने में समस्या आती है और कलह से दान, कलह से जो दिया गया दान उससे स्वच्छता शौच, मतलब दान किस लिए किया जाता है, अपनी क्लीनिनेस के लिए। और जो दान लेने वाला है वो योग्य व्यक्ति होना चाहिए, नहीं तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति दान लेने योग्य नहीं उसको दान नहीं लेना चाहिए और जो दान जिसकी देने की इच्छा नहीं उसको दान नहीं देना चाहिए। क्योंकि दान इंटरनल स्वच्छता के लिए है और एक्सटर्नल स्वच्छता के लिए है, और लेने वाले के लिए, लेने वाले को अपना ऐसा नहीं कि उसको उसको फ्री में आ रहा है तो वो ले लेगा। अगर वो उसको किसी का दान लेने के लिए, केवल ब्राह्मण लोग ही जो है
क्योंकि ब्राह्मण लोग भगवान या ब्राह्मण या वैष्णव जो होते हैं वो भगवान की भक्ति कर पाते हैं, और उस किसी मटेरियलिस्टिक या किसी भी व्यक्ति के से जिनसे उनसे दान लेने का अधिकार नहीं, उससे दान को डाइजेस्ट कर पाते हैं। क्योंकि दान देने में जो व्यक्ति दान देता है उसका उसमें वो अपने आप को स्वच्छ करने के लिए देता है, इसका मतलब अपनी गंदगी निकाल रहा है। क्योंकि दान का किससे लिंक है, दान स्वच्छता का, जैसा कि अभी हमने पिछले बताया था, प्रथम स्कंद में धर्म का चौथा पाव स्वच्छता बतला गया, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ये दानम शब्द की, तो दान कोई ले रहा है इसका मतलब है कि दूसरे के जो वो है पाप है, दूसरे के जो पाप है उसको ले रहा है, क्योंकि दान करने वाला अपनी स्वच्छता के लिए दे रहा है दान, और लेने वाला पाप कर्म ले रहा है अगर लेने वाला उसके योग्य नहीं है। तो किसी व्यक्ति के पाप कर्म लेने के लिए कौन व्यक्ति एलिजिबल है संसार में? किसी व्यक्ति के पाप कर्म कर लेने के लिए केवल उच्च कोटि के वैष्णव और उच्च कोटि के ब्राह्मण जो है, या भगवान के ऐसे भक्त जो है जो उसको डाइजेस्ट कर पाए और बदले में उस व्यक्ति का कल्याण कर पाए जिससे दान लिया है, वही योग्य। इसलिए दान को जो चार होते हैं, शौच, तप, दया और सत्यता, चार जो गुण है कलयुग में धर्म के, शौच, तप, दया और सत्यता। तो इसमें जो शौच स्वच्छता है वो स्वच्छता व्यक्ति कैसे करता है? एक तो इंटरनली स्वच्छता तो तपस्या उससे करता है, लेकिन एक्सटर्नली स्वच्छता अपने धन की स्वच्छता कैसे करता है? वो अपने पाप गुणों को उन लोगों को ट्रांसफर करता है जो लोग उन पाप गुणों को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि कोई हम दे रहे हैं तो कोई लेने वाला भी होना चाहिए। तो जो व्यक्ति अपने पाप गुणों को स्वच्छता करना, धन की स्वच्छता करना, मतलब अपने काला धन है या अपना जो पाप पुण्य धन है, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ ऐसा होगा, उसको दूसरे को देता है और दूसरा व्यक्ति इसको स्वीकार करता है, तो इसका मतलब वो उसके पाप कर्मों को या उसके अधर्म के द्वारा कमाए गए धन को स्वीकार करने को तैयार है। तो इसलिए हम देखते हैं कि सड़क पे जितने भिखारी है, भिक्षा, वो सब और भी ज्यादा भिखारी हो जाते हैं, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है उस धन को प्राप्त करने के लिए, और भी ज्यादा गरीब गरीब गरीब, और भी ज्यादा एक जो भिखारी होता है वो लेता जाता है, तो और भी ज्यादा भिखारी हो जाता है, वो कभी उठ नहीं पाता भिखारी भिक्षा। हम देखते हैं सड़कों पर झोपड़ियों में कभी भी उठ नहीं पाता, क्योंकि उसने दूसरों के पाप कर्मों को ग्रहण कर लिया। लेकिन जो बड़े संत महात्मा होते हैं वो भगवान के लिए मंदिर बनाने के लिए या फिर दूसरों का कल्याण करने के लिए, प्रचार करने के लिए धन ग्रहण करते हैं, दूसरों के पाप को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके वो स्वयं अपने पास नहीं रखते, उस धन को या पाप को फिर भगवान की सेवा में लगा देते, तो वो उनको भी उसका बेनिफिट मिल जाता है। ये तरीका है दान देने का। स्वच्छता, व्यक्ति जैसे स्वच्छता अपने आप को स्वच्छ करने के लिए साबुन से नहाता है, सारी मैल उतार देता है, ऐसे ही धन की स्वच्छता जो है दान से होती है। लेकिन अगर दान देने वाले व्यक्ति उसके लिए कलह से दे रहा है, तो वो और भी ज्यादा दूषित होगा, और भी ज्यादा दूषित हो जाएगा, और लेने वाले के लिए और भी ज्यादा करें, क्योंकि वैसे ही पाप कर्म दे रहा है वो, वैसे ही वो अपना पाप कर्म दे रहा है। तो इसलिए पाप कर्म को ग्रहण करने वाला कौन होना चाहिए, उसको पचाने वाला कौन होना चाहिए उन पाप कर्मों को? जो भगवान का महान भक्त, जो सारे जीवों के, इस संसार के सारे जीवों के पापों को पचा ले, उतना महान भक्त होना चाहिए। या फिर कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, तो वो मंदिर की सेवा में कार्य में लगा दे, उसको लेके मंदिर की सेवा के कार्य में लगा, ये है दान का स्वच्छता से, दान स्वच्छता से संबंधित सोच। तो झूठ से सत्य क्षीण होता है, धर्म का पिलर हिलता है, तो व्यक्ति कम धार्मिक होता है। हिंसा से दया क्षीण होता है, ये भी पिलर हिलता है तो धर्म और कमजोर होता है। असंतोष से तपस्या क्षीण होती है, ये पिलर भी हिलता है तो और भी ज्यादा धर्म इसमें नीचे आता है। और कला से दिया गया दान से स्वच्छता क्षीण होती है, ये भी पिलर हिलता है। तदा क्रिया तप निष्ठा,
नाति हिंसा न लंपट त्रैवर्गिका त्रयी वृद्धा वर्णा ब्रह्म उत्तरा नृप त्रेता युग में लोग कर्म कांड तथा कठिन तपस्या में लगे रहते थे। वे न तो अत्यधिक उग्र होते थे न इंद्रिय आनंद के पीछे अत्यधिक कामुक होते थे। उनकी रुचि मुख्यतः धर्म आर्थिक विकास तथा नियमित इंद्रिय तृप्ति में रहती है और वे तीन वेदों की संस्तुतियों का पालन करते। वे तीन वेदों की संस्तुतियों का पालन करते संपन्नता प्राप्त करते हैं। राजा, यद्यपि इस युग में समाज के चार पृथक श्रेणियां उत्पन्न हो जाती है किंतु अधिकांश लोग ब्राह्मण होते हैं। त्रेता युग का बता रहे। अब ये देखिए, त्रेता युग में बताया कि यहाँ पे चार श्रेणियां बनती। कलयुग में केवल एक, सतयुग में केवल एक ही श्रेणी थी, हंस। सबको हंस का हंस आश्रम कहलाता था, लेकिन यहाँ पे सबके चार आश्रम बनाए, चार वर्ण बनाए त्रेता युग में, किंतु अधिकांश लोग ब्राह्मण होते थे। तप सत्य दया दानेशु, तो देखिए देखिए चौथा गुण क्या कर दिया, तप सत्य दया, ये तीन पिलर हो गए। चौथे को स्वच्छता वाले को दानेशु कर दिया, दान कर दिया स्वच्छता। तप सत्य दया दानेशु अधर्म हस्वती द्वापरे हिंसा तुष्टि अनर्द्वेषे धर्मस्य अधर्म लक्षण। द्वापर युग में तपस्या सत्य दया तथा दान के धार्मिक गुण अपने अधार्मिक विलोम वंशों असंतोष असत्य हिंसा तथा शत्रुता के द्वारा घटकर आधे रह जाते। यशस्विना महाशीला स्वाध्याय अध्ययने रता आढ्या कुटुंबिन दृष्टा वर्णांत शत्रदिज उत्तरा द्वापर युग में लोग यश में रुचि रखते हैं और अत्यंत नेक होते हैं। द्वापर युग द्वापर धीरे धीरे हाउस हुआ तो धीरे धीरे कम हुआ, तो द्वापर युग में जैसे त्रेता युग में बताया, तो त्रेता युग में लोग कर्म कांड तथा कठिन तपस्या में लगे रहते। वे न तो अत्यधिक उग्र होते थे न ही इंद्रिय आनंद के पीछे अत्यधिक कामुक होते थे। उनकी रुचि मुख्यतः धर्म आर्थिक विकास तथा नियमित इंद्रिय तृप्ति में होती थी, रेगुलेटेड इंद्रिय तृप्ति में होती थी। वे तीन वेदों की संस्तुतियों का पालन करते थे और संपन्नता प्राप्त करते थे। राजा, इस युग में समाज में चार पृथक पृथक श्रेणियां उत्पन्न होती थी किंतु अधिकांश लोग ब्राह्मण होते थे। द्वापर युग में लोग यश में रुचि रखते हैं तथा अत्यंत नेक होते हैं। वे वेदाध्ययन में अपने को लगाए रखते हैं, प्रचुर ऐश्वर्य वाले होते हैं। बड़े बड़े परिवार वाले होते थे द्वापर युग में और जीवन का औज पूर्वक तेज पूर्वक आनंद उठाते थे। चारों वर्गों में से क्षत्रिय और ब्राह्मण ही सर्वाधिक संख्या में होते थे द्वापर युग में। कलो तु धर्म पादा नाम तुरियांश अधर्म हेतु भी एधमाने क्षीमाणो ही अंते स अपि विनक्षति। कलयुग में धार्मिक सिद्धांतों का केवल एक चौथाई शेष रह जाता है और यह अवशेष भी अधर्म के सदैव बढ़ने के कारण लगातार घटता जाता है, अंत में विनष्ट हो जाएगा। तस्मिन् लुप्ता दुराचार निर्दया शुष्क वैरिणः दुर्भगा भूरि तर्षा च शूद्र दास उत्तरा प्रजा। कलयुग में लोग लोभी दुराचारी तथा निर्दयी होते हैं। कलयुग के लक्षण बता रहे हैं आप। कलयुग में लोग लोभी दुराचारी तथा गलत आचरण करते हैं और निर्दयी होते हैं।
बिना कारण ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। कलयुग के लोग अभागे होते हैं, मतलब उनका भाग्य कुछ नहीं रहता, डल एकदम भाग्य रहता है, उनका मिस फॉर्चून नहीं रहता है ज्यादा, तभी कलयुग में आए। कलयुग के लोग अभागे होते हैं, भौतिक इच्छाओं से त्रस्त होकर प्राय सभी शूद्र एवं बर्बर होते हैं। तत्पर इस युग में हम देखते हैं कि अधिकांश लोग श्रमिक, क्लर्क, मछुआरे, कारीगर या शूद्र वर्ग के अंतर्गत अन्य प्रकार के कर्मी के। प्रबुद्ध भगवत भक्तों तथा अनेक राजनीतिक नेताओं का सर्वाधिक अभाव है और स्वतंत्र व्यापारी तथा किसानों का भी लोप हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े व्यापार के संगठनों ने लगातार अधीनस्थ कर्मचारियों में परिणत करते जा रहे हैं। पृथ्वी के विविध भागों में पहले से बर्बर तथा अर्ध बर्बर लोग बसे हुए हैं, जिसमें सारी स्थिति अत्यंत खतरनाक खतरनाक तथा धूमिल हो रही है। कृष्ण भावना मत आंदोलन में वर्तमान निराशापद स्थिति को सुधारने की शक्ति निश्चित है और कलयुग के लिए एकमात्र ही आशा। आगे सत्वम रजस्तमः इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणा काल संचोदिता तेवे परिवर्तन्ते आत्मनि। सत्व रजो तथा तमोगुण जिनके रूपांतर पुरुष के मन के भीतर देखने में आते हैं, काल की शक्ति से गतिमान होते हैं। सत्वम रजस तमा इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणा काल संचोदिता वे परिवर्तन्ते आत्मनि। सतो रजो तथा तमोगुण जिनके रूपांतर पुरुष के मन के भीतर देखने में आते हैं, काल की शक्ति से गतिमान होते हैं। तात्पर्य इन श्लोकों में वर्णित चारों युग भक्ति भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों की अभिव्यक्तियां हैं। इन श्लोकों में वर्णित चारों युग जो है भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों की अभिव्यक्त है। सतयुग में भौतिक सत्वगुण का प्राधान्य था, सतयुग में अच्छाई का प्राधान्य था और कलयुग तमोगुण की प्रधानता को प्रकट करता है। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर के अनुसार प्रत्येक युग में अन्य तीन युग यदा कदा उपयुगों के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे सतयुग में भी कभी कभी कलयुग का एक अंश दिखाई देता है, त्रेता युग में भी कभी कभी द्वापर युग या कलयुग का अंश दिखाई देता है सतयुग का, ऐसे सब में थोड़ा थोड़ा कभी कभी उपयुग के रूप में थोड़ा सा अंश दिखाई देता है। जैसे कलयुग में भी कई बार थोड़ी देर के लिए सतयुग का माहौल भी हो सकता है या द्वापर युग का भी माहौल से रहता है उपयुग के रूप में। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो ऐसा लग रहा था कि उपयुग मतलब सतयुग वाला युग आ गया। तो विश्वनाथ चक्री ठाकुर के अनुसार प्रत्येक युग में अन्य तीन युग यदा कदा उपयुग के रूप में थोड़े टाइम के लिए कभी प्रकट हो सकते हैं। इस तरह सतयुग में भी तमोगुणी राक्षस प्रकट हो सकता है और कलयुग में कुछ काल तक सर्वोच्च धर्म के सिद्धांत प्रलवित हो सकते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में वर्णन हुआ है, तीनों गुण सर्वत्र तथा सभी वस्तुओं में उपस्थित रहते हैं, लेकिन प्रधान गुण या गुणों का मेल किसी भौतिक घटना के सामान्य लक्षणों को निश्चित करता है। इसलिए प्रत्येक युग में तीन गुण विभिन्न अनुपातों में पाए जाते हैं। अच्छाई जो है सत्य का गुण है, काम जो त्रेता युग का गुण है, काम एवं अज्ञान द्वापर का गुण, अज्ञान कलयुग का गुण है। प्रभवन्ति यदा सत्वे मनो बुद्धि इंद्रियाण च तदा कृत युगम विद्या। तदाकृत युगम विद्यात ज्ञाने तपसि यत रुचि। जब मन बुद्धि तथा इंद्रियां पूरी तरह से सत्वगुण में स्थित हैं, जब मन बुद्धि तथा इंद्रियां पूरी तरह से सत्वगुण में स्थित है तो उस काल को सतयुग समझना चाहिए। उस समय लोग ज्ञान तथा तपस्या में रुचि लेते हैं। कृत शब्द का अर्थ किया हुआ। इस तरह सतयुग में सारे कार्य धार्मिक रीति ठीक से संपन्न किए जाते हैं। सत्य को कृत युग बोलते हैं। कृत मतलब किया हुआ। इस तरह सत्य में सारे धार्मिक कृत
सारे धार्मिक कृत्य ठीक से संपन्न किए जाते हैं और लोग आध्यात्मिक ज्ञान तथा तपस्या में पर्याप्त रुचि लेते हैं। यहाँ तक कि कलयुग में भी जो लोग सात्विक होते हैं वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन तथा नियमित तपस्या करने में रुचि लेते हैं। ये दिव्य अवस्था उसके लिए संभव है जिसने यौन इच्छा को जीत दिया। कलयुग में भी जो लोग सात्विक होते हैं वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन तथा नियमित तपस्या करने में रुचि लेते हैं। ये दिव्य अवस्था उसके लिए संभव है जिसने यौन इच्छा को जीत दिया हो। यदा कर्मेषु कामेषु भक्ति यशसी देहिनां तदा त्रेता रजोवृत्ति इति ज्ञानी ही बुद्धिमान। ये परम बुद्धिमान जब बद्ध जीव अपने कर्मों के प्रति समर्पित होते हैं तो उन्हें जब बद्ध जीव अपने कर्मों के प्रति समर्पित तो होते हैं किंतु उनमें बाह्य मनोभाव भाव पाए जाते हैं और वे निजी प्रतिष्ठा की चाह करते हैं तो तुम जान लो कि ऐसी स्थिति त्रेता युग की है जिसमें राजसिक कर्मों की प्रधानता रहती है। यथा लोभस्त्व संतोषो मानो दंभो दद मत्सर कर्मणाम चापि काम्यानाम द्वापरम तदज्जस्तम। जब लोभ असंतोष मिथ्याहंकार दिखावा तथा ईर्ष्या प्रधान बन जाए और साथ में स्वार्थपूर्ण कार्यों के लिए आकर्षण होता है तो ऐसा काल द्वापर युग है जिसमें रजो तथा तमोगुण के मिश्रण की प्रधानता। यदा माया नृतम तंद्रा निद्रा हिंसा विषादनम शोको मोहो भयम दैन्यम सकली तामस्मृत। जब धोखा कपट झूठ तंद्रा मतलब आलस्य निद्रा हिंसा विषाद शोक मोह भय तथा दरिद्रता का बोलबाला होता है वह युग कलयुग अर्थात तमोगुण का युग होता है। तात्पर्य कलयुग में लोग बुरी तरह से स्थूल भौतिकतावाद के प्रति अनुरक्त होते हैं, उनमें आत्म साक्षात के लिए शायद ही कोई आकर्षण होता। तस्मा क्षुद्र दृश मत्या क्षुद्र भाग्य माशन कामिन वित्तहीना च स्वेरण्य च स्त्री असती। कलयुग के दुर्गुणों के कारण मनुष्य क्षुद्र दृष्टि वाले आगे का देख नहीं पाते हैं, वो सोच समझ नहीं पाते हैं। दुर्गुण के कारण मनुष्य क्षुद्र दृष्टि एकदम छोटी हो जाती, आगे का सोच नहीं पाते, अभागे होते हैं, पेटू कामी तथा दरिद्र हो। स्त्रियां उल्टा होने से एक पुरुष को छोड़कर बेरोक टोक दूसरे पुरुष के पास चली जाएगी। तो कलयुग के दुर्गुण के कारण मनुष्य क्षुद्र दृष्टि वाले उनको आगे क्या कुछ भविष्य में क्या होने वाला देख नहीं पाएंगे, अगले दिन क्या होने वाला वो सोच नहीं पाएंगे, अगले घंटे क्या होने वाला वो उस पर विचार नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभागे हैं। अगर भाग्यशाली होते तो आगे का सोच पाते और अपनी स्थिति को सुधार लेते, लेकिन अभागे के साथ ये भी जुड़ा है कि उनका विजन नहीं है, कुछ दूरदृष्टि नहीं है, वो केवल आज की अभी की सोचते हैं। क्षुद्र दृष्टि वाले का मतलब ये, अभागे होंगे उनके भाग्य में कुछ नहीं है। भाग्य में होना जब तक भगवान से कनेक्टेड नहीं होंगे भाग्य कैसे बदलेंगे। पेटू होंगे उनको अलग अलग जगह जगह तरह 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 के वैरायटी के खाना मिलेगा। कामी होंगे उनको अलग अलग पुरुष और अलग अलग स्त्रियां चाहिए नहीं। दरिद्र होंगे हमेशा ही अभाव रहेगा, ऐसा क्योंकि असंतोष भी रहेगा। स्त्रियां उल्टा होने से एक पुरुष को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास बेरक टोक जाएगी। तो तात्पर्य कलयुग में कुछ छत्र बुद्धिजीवी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाहत के कारण
यौन मिश्रण का समर्थन करते हैं। वस्तुतः तो शरीर के साथ आत्मा की पहचान तथा आत्मा की बजाय शरीर में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की खोज निरे अज्ञान तथा काम की दासता का चल। जब स्त्रियां उल्टा होती है तो शादी से काम की उपज के रूप में अनेक बच्चे उत्पन्न होते हैं। ये बच्चे प्रतिकूल परिस्थितियों में बढ़ते हैं। इसमें बच्चों में मनोरोगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अज्ञानी, इससे समाज उभरता है। इसके लक्षण पहले से ही सारे जगत में दिख रहे हैं। इस तरह से कलयुग के लक्षणों का प्राकट्य होगा। ये भूमि गीत में गाया जा रहा है, भूमि गा रही है, पृथ्वी गा रही है, जो सब चीजों की विटनेस है। ये कलयुग के लक्षण है। आगे और भी कलयुग के लक्षण बताएंगे इसी अध्याय में, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। भूमि गीत की जय। पृथ्वी देवी की जय। हरे कृष्ण।